नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किताब पे चर्चा अनमोल के साथ में। और मैं अनमोल दुबे, आप देख रहे हैं लुक मीडिया। दोस्तों, कुछ तारीखें, कुछ साल ऐसे होते हैं जो घटनाओं के लिए नहीं बल्कि हादसों के लिए याद होते हैं। जब भी हम उन्हें याद करते हैं तो हमारे मन में एक सहनशक्ति पैदा हो जाती है, हमें एक दुख होने लगता है, एक अपराध बोध पैदा होता है अंदर। आज जिस उपन्यास की हम बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ ऐसा ही है कि जब हम उसकी कहानी को पढ़ते हैं तो उसकी कहानी में दुख और चीखें भरी हुई हैं, निर्मम हत्याएं भरी हुई हैं। आज हम बात कर रहे हैं सत्यव्यास द्वारा लिखित 84 की। जो 84 उपन्यास है इसे सत्यव्यास जी ने लिखा है और सन 2018 में ये हिंदी उम द्वारा प्रकाशित हुआ है और ये बेस्ट सेलर उपन्यास है। दोस्तों, ये उपन्यास एक प्रेम कहानी पर आधारित है। आज हम इस उपन्यास की बात करें उससे पहले मैं थोड़ा आपको सत्यव्यास जी के बारे में बता दूं कि सत्यव्यास जी मूल रूप से बलिया के निवासी हैं और इस समय नई वाली हिंदी के लेखक हैं और लखप्रीति लेखक की श्रेणी में शामिल हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने लॉ की पढ़ाई की है और इनकी इसके अलावा 3 बेस्ट सेलर किताबें, बेस्ट सेलर उपन्यास पाठकों के बीच में हैं। 84 इनकी जो आज किताब इस पर हम बात कर रहे हैं, इसके अलावा बागी बलिया, बनारस टॉकीज और दिल्ली दरबार, ये 3 इनकी बेस्ट सेलर किताबें हम सबके बीच में हैं। उन सब के बारे में भी चर्चा करेंगे लेकिन फिर कभी। आज हम बात कर रहे हैं 84 के बारे में। तो 84 की कहानी, जब 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद हुए सिख दंगों की पृष्ठभूमि पर आधारित है और इस कहानी में उन सिख दंगों को दिखाया गया है कि किस प्रकार से उस समय निर्मम हत्याएं हुई थी, किस तरीके से व्यक्तियों को जिंदा जला दिया गया था, व्यक्तियों के गले काट दिए गए थे, उसको दिखाती है ये कहानी। एक सिख लड़की मनु और एक हिंदू लड़के ऋषि की प्रेम कहानी है। जो ऋषि होता है मनु के यहाँ किराए से रहता है और बाद में दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। एक कहानी दो तरीके से चलती है, दो भागों में चलती है। एक भाग मनु और ऋषि की प्रेम कहानी और दूसरा भाग नरसिंहार। जो ऐसा नरसिंहार ना जिसे कोई देखना चाहे ना कोई पढ़ना चाहे। अगर आप उसे देखते हैं, जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था 1984 के दंगों के मारे मुझे जाना पता नहीं था, ना मैंने उन्हें देखा है, लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था तो मेरी आंखों के सामने ऐसा लग रहा था कि 84 के दंगे यही चल रहे हैं, कैसे लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, कैसे लोगों को दौड़ा दौड़ा के काटा जा रहा है। तो ये बहुत अच्छे से सत्यव्यास जी ने दिखाया है उन दंगों लड़ाई के बीच में एक प्रेम कहानी को, इतने अच्छे से सत्यव्यास जी ने लिखा है, इतने अच्छे से दर्शाया, इतने अच्छे से व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत किया है कि वो आपको हृदय को छू जाती है। इस किताब का जो एक सीन है, एक जो पार्ट है जो मुझे बहुत पसंद है, वैसे आप इसके जो किताब है इसको पढ़ेंगे जब, तो उसमें हर एक अध्याय के लिए एक शीर्षक दिया गया है और जब आप उस शीर्षक को पढ़ेंगे फिर उसका जब अध्याय को पूरा पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये शीर्षक क्यों था और उस पूरा अध्याय उस शीर्षक को पूर्ण करता है। जब आप ये सब देखेंगे तो आपका मुंह खुला खुला रह जाएगा, कितने अच्छे से उन्होंने लिखा है। तो इसका एक अध्याय है, जो एक हिस्सा है वो मुझे पसंद है, वो आपको बताता हूँ। जो मनु और ऋषि होते हैं, लोग छठ पूजा के लिए नदी किनारे जाते हैं। तो जब मनु नदी किनारे खड़ी होती है तो उसकी परछाई उसका प्रतिबिंब पूरा नदी में बन जाता है और ऋषियों से चुपके से चूम लेता है। ये जो इसका एक भाग है जो मुझे बहुत पसंद आता है। और दोस्तों, सवाल आता है कि हम इस किताब को क्यों पढ़ें, इस किताब को क्यों खरीदें। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि ये किताब आप इसलिए पढ़ें, इसलिए खरीदें, क्योंकि ये किताब हमें 84 के दंगों को दिखाती है और इस तरीके से सत्यव्यास जी ने इस कहानी को फ्रेम किया, इस कहानी को इस तरीके से लिखा है कि हमें ऐसा लगता है कि पूरे 84 के दंगे हमारे आंखों के सामने चल रहे हैं। और उसमें बीच में जो एक सुखद एहसास होता है, जो एक अच्छी चीज़ हो सकती है, दंगों के बीच में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो सकती हैं, वो इसमें दिखाया है कि कोई व्यक्ति कैसे अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ता है, कैसे भागता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले मंगलवार को। तब तक आप बने रहिए लुक मीडिया के साथ और हाँ, हमारी वीडियो आपको कैसे लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।